श्री राधे महाराज ऐसा है, मैं अभी बृहस्पतिवार को बांसे गांव से निपटा हूँ, भागवत थी और एक तारीख से इसी खरोट में भागवत है। तो महाराज ने नारियल देने के लिए बुलाया था, आपका नाम सुना हमने, आपको दिल्ली में देखा था एक बार, मिल के चलो, आज सोनू आ रहा है तो मिल के जरूर मिल के चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, आगे तरक्की करो। तो मैं अब जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि महाराज जी भी सेवा में हैं, जैसे आपको ठीक लगे। राधे राधे, ठीक है महाराज, चलो। बोली खाटू नरेश की, हाँ जी, जिसकी आंखें इंतजार कर रही है एक बार उठाना दोनों हाथ, किसकी आंखें इंतजार कर रही है, भीगी पलकों ने बस शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने बस शाम पुकारा है, ओ भीगी पलकों ने हाथ उठाकर पुकारा है, कहाँ हो बाबा श्याम, ओ कहाँ हो बाबा श्याम, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, ये आवाज कहाँ हो सांवरिया, ये आवाज उस द्रौपदी की है जिसने भरी सभा में जब अपने ठाकुर को बुलाया, जब तक साड़ी हाथों में पकड़ी थी, जब तक कन्हैया नहीं आया, और जैसे ही साड़ी को छोड़ा और दोनों हाथ उठाए, द्रौपदी बोली कहाँ हो बाबा श्याम, कहाँ हो बाबा श्याम, कहाँ हो सांवरी, ये आवाज सुदामा की पत्नी की है जो अपने बच्चों को पानी में राख घोल घोल कर पिला रही थी, और उस वक्त कन्हैया को कहती थी कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो बाबा श्याम, उस बहन की है जो आज इस कीर्तन में बैठी है। बाबा 5 साल उसकी शादी को हो गए और उसकी कोई औलाद नहीं है, उसके परिवार वाले ना जाने उसको क्या क्या ताने मारते हैं। बाबा बाबा तू उसकी झोली को भर दे, और जब 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, या अगले ही साल उसके घर पर जब एक बच्चा पैदा होगा, तब वो दुनिया वालों को कहेगी यहाँ है बाबा श्याम, यहाँ है बाबा श्याम, यहाँ है सांवरिया, यहाँ है सांवरिया। ये आवाज उस गरीब की है जिस गरीब को लोग ये कहते थे तू कभी जीत नहीं सकता, तू कभी अमीर नहीं हो सकता। बाबा तूने उसके घर में 2 साल नहीं लगाए, जब उसके घर में गाड़ी आई, उस गाड़ी के अंदर उसने बाबा को बिठाया और दुनिया वालों को दिखाया यहाँ है बाबा श्याम, यहाँ है बाबा, यहाँ है सांवरिया, यहाँ है सांवरिया। ये आवाज पढ़ाई कर रहे उस बच्चे की है जो सीए की कक्षा में 2 बार फेल हो गया, उसके मित्र बोले तू पास नहीं हो सकता, और जब तीसरी बार उसने एग्जाम दिया और जब पास हुआ तो दुनिया को दिखाया ये है बाबा श्याम, ये है बाबा श्याम, यहाँ है बाबा श्याम, यहाँ है बाबा श्याम, तो मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने बस शाम पुकारा है, भीगे पलकों ने तेरा शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने तेरा शाम पुकारा है।
सा बी माइनर। अच्छा किस किस को सहारा है बाबा का, उठाना एक बार बना हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर बोल खाटू नरेश की। ओ भीगे पलकों में तेरे नाम पुकारा है, भीगे पलकों में तेरे नाम पुकारा है। कहाँ हो बाबा शाह, कन्हैया जरूर आएगा साहब। उठाओ दोनों हाथ, जिसको विश्वास है बाबा हरे को जिताते हो, गिरते को उठाते हो, हरे को जिताते हो, गिरते को उठाते हो, फिर पल को बाबा शाम तुम ही पल दिलाते हो, फिर पल को बाबा शाम तुम पल अर्जी है, निर्धन की अर्जी है, निर्धन की अर्जी है, निर्धन की अर्जी है, मुझे अपना बना लो ना, ओ भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है, ओ
कुछ तेरा सहारा है। एक बार ध्यान से सुनना प्रेमियों इस बात को। एक बार एक आदमी के पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, इतना पैसा कि उसकी सात पीढ़ियां बैठ कर खा सकती थी साहब, इतना पैसा। सभी रिश्तेदार उसके साथ इतने अच्छे से बोलते थे, सबका व्यवहार अच्छा था, अड़ोसी पड़ोसी उसको राम राम भी करते थे साहब। एक दिन बाबा के दरबार में गया, बाबा को बोला, बाबा मैं रोज तेरे दरबार में आता हूँ, सभी मुझसे अच्छे से बोलते हैं, सभी मेरे साथ हैं, क्या कन्हैया तू भी मेरे साथ है, मुझे कैसे पता चले। बाबा मैं हर पल तुझे रो रो कर यही कहता हूँ, ए भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है, भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है। अच्छा, कौन कौन जा रहा है? जाके आ रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, हमें फर्क नहीं पड़ता साहब। हम तो ऐसे पागल हैं जो आखिर तक बैठेंगे और बाबा को साथ में लेकर जाएंगे साहब, ऐसे पागल हैं साहब। घर वाले ऐसे पागल का माथे के ऊपर स्टैंप नहीं लगाते हमारे, हम भी पलट कर जवाब देते हैं, आज इन ओस की बूंदों से वो पत्ते ही अच्छे हैं। अरे मुझे पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला बाबा मुझे कैसे पता चले तू मेरे साथ है। जब वो रात को अपने घर गया, बाबा ने उसे सपने में दर्शन दिए। बाबा बोले, जब तू सुबह सैर पर जाएगा तुझे दो पैरों के निशान मेरे दिखाई देंगे और दो पैरों के निशान तेरे। जब सुबह सैर पर गया, दो पैरों के निशान उसके और दो पैरों के निशान भगवान के थे। और जब कुछ समय बीता, रोज उसको पैरों के निशान दिखाई देते रहे, उसको पता चल गया कि मेरा ठाकुर मेरे साथ है, विश्वास हो गया। और कुछ समय के बाद सारा पैसा खत्म हो गया, अड़ोसी पड़ोसियों ने राम राम करना बंद कर दी, सभी रिश्तेदार छोड़ गए, परिवार वाले छोड़ गए, वो सड़क के ऊपर आ गया और बाबा के दरबार गया। बाबा को बोला, बाबा जब पैसा था तब सभी मेरे साथ थे, और जब मैं सुबह सैर पर जाता था तो मुझे दो पैरों के निशान मेरे और दो पैरों के निशान तेरे दिखाई देते थे, लेकिन अब जब पैसा खत्म हो गया, सब छोड़कर चले गए बाबा, अब वो दो पैरों के निशान भी दिखाई नहीं देते, केवल दो पैरों के निशान दिखाई देते हैं। क्या बाबा तू मुझे भी छोड़ गया, तू भी मुझे छोड़ गया? ये बात कहकर चला गया। और जब सड़क के ऊपर रात को सोया, बाबा ने फिर सपने में दर्शन दिए। बोले, बावड़े जो दो पैरों के निशान तुझे दिखाई दे रहे हैं, वो दो पैरों के निशान तेरे नहीं है, वो दो पैरों के निशान मेरे हैं, मैंने तो तुझे गोद में उठा रखा है साहब। बना लो ना सीने से लगा लो ना, मुझे अपना बना लो ना सीने से लगा लो ना, मुझे अपना बना लो ना सीने से लगा लो ना, अपना बना लो ना सीने से लगा लो ना। फिर घर पे आया हूँ,
मुझे अपना बना लो ना, तेरे दर पे आया हो अपना बना लो ना, तेरे दर पे आई हूँ मुझे अपना बना लो ना, तेरे दर पे आए हो मुझे अपना बना लो ना, गिरते को बाबा शाह गिरते को झोली को अब इनकी झोली को